डियर स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में एट्थ क्लास की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर टू का सॉल्यूशन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर टू लीस्ट कॉमन मल्टीपल एल एंड हाइस्ट कॉमन फैक्टर एच सी एफ टुडे वी विल रिवाइज एलसीएम एंड एचसीएफ। लेट अस कंसीडर एनी टू नेचुरल नंबर सपोज इट्स 18 एंड 24। यहां यहाँ पर हमने दो नेचुरल नंबर लिए हैं 18 और 24। नाउ टेल द फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स ऑफ दिज टू नंबर यहाँ पर हमारे पास दो टर्म हैं पहली है फैक्टर और दूसरी है मल्टीपल तो देखिए फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं फैक्टर्स ऑफ 18 फैक्टर्स का मतलब है ऐसे नंबर जो 18 को डिवाइड करते हैं हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं इसके जो 18 को डिवाइड करते हैं जैसे वन वन इसका फैक्टर है क्योंकि वन ऐसा नंबर है जो हर एक नंबर को डिवाइड करता है उसके बाद है टू टू 18 को डिवाइड करेगा नाइन पर तो देखिए नाइन भी इसका फैक्टर बन जाएगा फिर है थ्री थ्री इसको डिवाइड करता है सिक्स पर तो सिक्स भी इसका फैक्टर है उसके बाद सिक्स डिवाइड करता ही है इसे थ्री पर फिर नाइन और फिर एटीन देखिए मैंने यहाँ पर करके दिखाया है वन इंटू एटीन एटीन टू इंटू नाइन एटीन थ्री इंटू सिक्स एटीन सिक्स इंटू थ्री एटीन नाइन इंटू टू एटीन एंड एटीन इंटू वन इज इक्वल टू एटीन इसी तरह से हमें ट्वेंटी फोर के फैक्टर्स ढूंढने हैं हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो ट्वेंटी फोर को डिवाइड करते हैं जैसे वन टू थ्री फोर सिक्स एट ट्वेल्व एंड ट्वेंटी फोर आइए अब मल्टीपल्स पर चलते हैं मल्टीपल्स ऑफ एटीन मल्टीपल का मतलब होता है कि एटीन को मतलब एटीन इंटू वन एटीन इसका मल्टीपल है उसके बाद एटीन इंटू टू थर्टी सिक्स इसका मल्टीपल है एटीन इंटू थ्री फिफ्टी फोर मतलब एटीन को मल्टीप्लाई करने के बाद वन से टू से थ्री से फोर से क्या आता है वो इसके मल्टीपल्स हैं मतलब ऐसे नंबर जिनको 18 डिवाइड करता है वो मल्टीपल्स कहलाते हैं जो नंबर 18 को डिवाइड करते हैं वो फैक्टर्स कहलाते हैं फैक्टर्स हमेशा छोटे होते हैं मल्टीपल हमेशा 18 से बड़े होंगे जैसे 18 के मल्टीपल निकालने हैं आपको तो सारे मल्टीपल एटीन से बड़े होंगे इसके और अगर आपको फैक्टर निकालने हैं तो सारे फैक्टर इसके एटीन से छोटे होंगे इसी तरह से हमने मल्टीपल ऑफ ट्वेंटी फोर निकाले हैं यहाँ ट्वेंटी फोर इंटू वन ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर इंटू टू फोर्टी एट ट्वेंटी फोर इंटू थ्री सेवेंटी टू एंड अपू सो ओन नाउ लेट टेल द कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल ऑफ एटीन एंड ट्वेंटी फोर अब यहाँ पर हमें इसके कॉमन फैक्टर ढूंढने हैं कॉमन फैक्टर कॉमन का मतलब है जो दोनों में है देखिए एटीन के फैक्टर आपको ऊपर दिख रहे हैं ट्वेंटी फोर के फैक्टर भी हैं आपको इनमें से कॉमन फैक्टर निकालना है कॉमन मतलब ऐसा फैक्टर जो दोनों में है देखिए वन दोनों में है टू दोनों में है थ्री भी दोनों में है और उसके बाद सिक्स भी दोनों में है नाइन इसमें तो है पर इसमें नहीं है फोर ट्वेंटी फोर का तो फैक्टर है बट एटीन का नहीं है तो इसके कॉमन फैक्टर कौन से बनेंगे वन टू थ्री एंड सिक्स अगर हम कॉमन मल्टीपल की बात करते हैं तो सेम है एटीन के मल्टीपल आपके सामने हैं ट्वेंटी फोर के मल्टीपल आपके सामने हैं दोनों में कॉमन मल्टीपल कौन से हैं जो दोनों में हैं सेवेंटी टू दोनों में हैं फिर 144 दोनों में हैं फिर 216 दोनों में हैं इस तरह से आप इसके और भी कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट कर सकते हैं हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 24 फोर इज सिक्स देखिए अब हमने कहा था कि हम यहाँ पर एच सी एफ हाइस्ट कॉमन फैक्टर की बात करेंगे तो हाइएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है आपने ऊपर कॉमन फैक्टर निकाले हैं वन टू थ्री एंड सिक्स इसमें हाइएस्ट सबसे बड़ा नंबर कौन सा है सिक्स तो इसका एच कितना बनेगा सिक्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल एल सी एम एल का मतलब है लीस्ट सबसे छोटा तो देखिए यहां पर कॉमन मल्टीपल लिखे हुए हैं एटीन और ट्वेंटी फोर के सेवनटी टू वन फोर्टी फोर टू हंड्रेड सिक्सटीन एंड अपू तो यहां पर सबसे छोटा फैक्टर कौन छोटा मल्टीपल कौन सा है सेवनटी टू तो इसका एल कितना बनेगा सेवेंटी टू तो ये था हमारे पास एच और एल निकालने का मेथड। देयर आर मैनी मैथड्स टू फाइंड एल सी एम एंड एच सी एफ इसके अलावा हमारे पास और भी मैथड होते हैं इन दोनों को फाइंड आउट करने के उनमें से एक फैक्टर है हमारा प्राइम फैक्ट्राइजेशन मैथड अकॉर्डिंग टू दिस वी एक्सप्रेस द गिवन टर्म इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल्स ऑफ प्राइम्स हमें इस फैक्टर के अकॉर्डिंग सबसे पहले इन दोनों नंबर्स को इनके आ, मतलब प्राइम्स का मल्टीपल लिखना है जैसे देखिए 18 है तो 18 के हमें प्राइम फैक्टराइजेशन बनाने हैं मतलब प्राइम नंबर से डिवाइड करना है इसे पहले ये टू से डिवाइड होता है नाइन फिर थ्री से थ्री देन थ्री वन ट्वेंटी फोर के टू ट्वेल्व टू से डिवाइड करेंगे को 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 तो six, को three, three three को तो one. तो से से डिवाइड डिवाइड करेंगे करेंगे के फैक्टर क्या बने हैं पर इसका जो दोनों में है देखिए वन दोनों में है टू दोनों में है फिर थ्री दोनों में है जो कॉमन है तो इसका एच सी एफ क्या बनेगा टू इन टू थ्री इज इक्वल टू सिक्स तो ये कहलाता है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इसी तरह से यदि हम एल सी एम निकालें तो ये सारे नंबर हमें एल सी एम में भी निकालने हैं देखिए वन टू क्योंकि दोनों में है तो हम इसे एक बार काउंट करेंगे फिर दो फिर दोबारा से टू उसके बाद थ्री नेक्स्ट जो थ्री है उसे हम वन टाइम काउंट करेंगे देखिए यहाँ लिखा हुआ है टू फाइंड एल्सीयम मल्टीप्लाई ऑल द मल्टीपल्स ऑफ बोथ नंबर बट मल्टीप्लाई कॉमन मल्टीपल्स ऑफ बोथ नंबर ओनली वंस हमें इसके सारे मल्टीपल्स को मल्टीप्लाई करना है लेकिन जो मल्टीपल दोनों में हैं कॉमन है उसे केवल एक बार मल्टीप्लाई करना है सो so 18 एंड 24 फोर एल्सीय इज सेवेंटी उसके बाद हमें इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं चलिए उन्हें सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन है फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स आपको कुछ नंबर्स हैं यहाँ पर गिवन नाइन थर्टीन सिक्सटीन ट्वेंटी टू एंड फिफ्टीन आपको उनके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं देखिए नाइन के फैक्टर अभी मैंने आपको बताया था फैक्टर्स क्या होते हैं फैक्टर होते हैं हमेशा छोटे जैसे आपको नाइन के फैक्टर निकालने हैं तो नाइन के फैक्टर इससे छोटे होंगे हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो इसको डिवाइड करते हैं तो वो हैं वन थ्री नाइन यहाँ पर ये यह करके दिखाया हुआ मैंने. Nine, three three, 13, है मैंने वन इंटू नाइन थ्री इंटू थ्री देन नाइन इंटू वन फैक्टर्स ऑफ थर्टीन सेम है वन एंड थर्टीन फैक्टर ऑफ सिक्सटीन वन डिवाइड करता है टू करता है फोर एट और फिर सिक्सटीन फैक्टर्स ऑफ ट्वेंटी टू वन टू इलेवन एंड ट्वेंटी टू फैक्टर्स ऑफ फिफ्टी वन टू फाइव टेन ट्वेंटी फाइव एंड फिफ्टीन तो इन्हें आप खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए खुद से सॉल्व कीजिए इन्हें तब आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी नेक्स्ट है फाइंड आउट द फर्स्ट ट्वेल्व मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स देखिए अब यहाँ पर हमें फ़र्स्ट ट्वेल्व मल्टीपल निकालने हैं मल्टीपल हमेशा उस नंबर से बड़े होते हैं तो सेवन के यदि हमें मल्टीपल निकालने हैं ट्वेल्व तो सेवन को ट्वेल्व टाइम्स मल्टीप्लाई करते जाना है

तो इस तरह से हम इसके बहुत सारे मल्टीपल्स फाइंड आउट कर सकते हैं इसी तरह से यहाँ पर इलेवन के फैक्टर्स लिखे हुए हैं नाइनटीन के ट्वेंटी वन के एंड ट्वेंटी फाइव के नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन वट इज़ द लीस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर अब यहाँ पर हमें एल सी एफ लीस्ट कॉमन फैक्टर बताना है सबसे छोटा कॉमन फैक्टर फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर देखिए फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर कौन से हैं वन टू थ्री फोर फाइव इनमें सबसे छोटा कॉमन फैक्टर कौन सा है इसका फैक्टर वन है टू का फैक्टर भी वन इंटू टू थ्री का फैक्टर वन इंटू थ्री फोर का वन इंटू टू इंटू फोर फाइव का वन इंटू फाइव तो सबसे छोटा कॉमन फैक्टर क्या बनेगा इसमें वन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर हाउ मैनी कॉमन मल्टीपल एग्जिस्ट फॉर एनी टू नेचुरल नंबर आपके पास दो नेचुरल नंबर हैं उसमें उसका कॉमन मल्टीपल बताना है कि कौन सा होता है तो बेटा देखो मल्टीपल्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं हमेशा तो यदि हम किसी भी दो नेचुरल नंबर को उठा लें जैसे हमने फोर को उठाया और ट्वेल्व को उठाया तो हम फोर को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। फोर इंटू वन फोर इंटू टू फोर इंटू थ्री फोर इंटू फोर इसी तरह से हम ट्वेल्व को मल्टीप्लाई करते जाएंगे ट्वेल्व इंटू वन टवेल्व इंटू टू ट्वेल्व इंटू थ्री ट्वेल्व इंटू फोर तो हमारे पास बहुत सारे नंबर फाइंड आउट किए जा सकते हैं तो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर इंफानाइट कॉमन मल्टीपल फॉर एनी टू नेचुरल नंबर जैसे देखिए आपके पास ऊपर एक मैंने क्वेश्चन बताया हुआ है ये यहाँ पर एक क्वेश्चन है सेवेंटी टू वन फोर्टी फोर टू हंड्रेड सिक्सटीन कॉमन मल्टीपल्स निकले यहाँ पे इसके फैक्टर्स ये हैं सॉरी मल्टीपल्स ये हैं इसके मल्टीपल ये हैं अगर हम इसमें मल्टीपल्स ढूंढने कितने हैं कॉमन तो बहुत सारे निकल जाएंगे तो इसी तरह से यहाँ जो क्वेश्चन था ये इसी के ऊपर डिपेंड करता है हाउ मेनी कॉमन मल्टीपल्स एग्जिस्ट फॉर एनी टू नेचुरल नंबर तो आंसर आएगा इसका इनफाइनाइट बहुत सारे हो सकते हैं ये नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव फाइंड आउट द एल एंड एच सी एफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर पहला गिवन है हमें थ्री इंटू एट हमें थ्री इंटू एट का एल और एच दोनों बताना है देखिए यहाँ थ्री को हम क्या लिख सकते हैं इसके पहले फैक्टर्स लिखे हैं हमने वन इंटू थ्री एट के फैक्टर्स लिखे हैं हमने वन इंटू एट तो एच सी एफ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इसमें वन है तो एच सी एफ हो जाएगा इसका वन एल सी एम निकालने के लिए मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ किया है थ्री और एट को पहले थ्री से डिवाइड किया वन और एट फिर एट से किया वन वन तो इसका एलसीएम क्या निकलेगा वन इंटू थ्री इंटू एट दैट इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज फोर इंटू ट्वेल्व देखिए फोर के फैक्टर्स हैं वन इंटू टू इंटू टू ट्वेल्व के फैक्टर्स हैं वन इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री सो एच सी एफ इज टू 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 एंड टू दोनों में है कॉमन है तो हाइएस्ट फैक्टर क्या बनेगा इसका फोर एलसीएम निकालने के लिए पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन लिखिए उनको मल्टीपल मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना निकलेगा इसका एलसीएम ट्वेल्व नाउ फिफ्टीन एंड ट्वेंटी फाइव सेम हेयर फिफ्टीन के फैक्टर्स लिखिए वन इंटू थ्री इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव के फैक्टर लिखिए वन इन टू फाइव इंटू फाइव इन दोनों में कॉमन हाइएस्ट फैक्टर ढूंढेंगे हम तो वो फाइव है एलसीएम के लिए पहले दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए फिर सबको मल्टीप्लाई कीजिए वन इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू फाइव दैट इज इक्वल टू सेवेंटी फाइव नाउ फोर्टीन एंड फोर्टी नाइन फोर्टीन के फैक्टर्स वन इंटू टू इंटू सेवन फोर्टी नाइन के फैक्टर्स वन इंटू सेवन इंटू सेवन एंड एच सी एफ इज सेवन सेवन एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जो दोनों में है एलसीएम के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन लिखिए आप पहले इसके उसके बाद सबको मल्टीप्लाई कीजिए वन इंटू टू इंटू सेवन इंटू सेवन विच इज इक्वल टू नाइनटी एट नाओ थर्टीन एंड सेवनटीन थर्टीन के फैक्टर्स वन इंटू थर्टीन सेवनटीन के फैक्टर्स वन इंटू सेवनटीन एच सी एफ इज़ वन एंड एल सी एम इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन देन मल्टीप्लाई वन इंटू थर्टीन इंटू सेवनटीन इज इक्वल टू टू हंड्रेड ट्वेंटी वन तो ये था बच्चों हमारे पास वर्कशीट का पूरा सोल्यूशन उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए मैं आपके कमेंट का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग हैव ए नाइस डे